गाइज, अगर आप अपने फ़ोन के डायलर के अंदर अपने एप्लीकेशन को छिपाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डायलर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर सकते हो एंड कैसे उसको आप छिपा सकते हो। आप अपने घर वालों से छिपा के रख सकते हो या फिर किसी भी तरीके से आप उसके अंदर ना डायलर के अंदर आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को छिपा के रख सकते हो। तो वीडियो को गाइज आपको पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाओगे। अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है तब भी आप इस वीडियो को देखना, और अगर आपके पास वीवो का, ओप्पो का, किसी भी कंपनी का फ़ोन है आपके पास तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना। मैं इसके अंदर सारे के सारे फ़ोन की बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी कंपनी के फ़ोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को कैसे हाइड करना होता है। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। तो गाइज अगर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर समझो, अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है अंदर यहाँ पर सेटिंग में आ चुके हैं, आपको भी अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है सबसे पहले, अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइवेसी, प्राइवेसी का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, ये आपको आंख सी बनी हुई, इसके ऊपर क्लिक करो। देन आपको यहाँ पर ध्यान से समझो भाई, ठीक है, यहाँ पर आपको इधर की साइड में ऑप्शन मिल रहा है देखो प्राइवेसी का। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लो का आ रहा है एंड दूसरा आ रहा है आपको हाइड एप्स। ये हाइड एप्स जो है ना, आपको यहीं से हाइड एप्स करने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आप कौन कौन से एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर जो सा भी एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड करना है वो आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अमेजोन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपसे सेटिंग्स मांगा जाएगा, ठीक है, आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना। देन सेटिंग के ऊपर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर सेट प्राइवेसी लॉक मांगा जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर 6 अंकों का पासवर्ड सेट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ से 4 अंकों का भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ से आप पैटर्न भी सेट कर सकते हो या फिर अल्फाबेट आप करना चाहो, कुछ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब तो गाइज मैं यहाँ पर 4 डिजिट का करता हूँ, 4 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट कर लेना, चाहे तो आप 6 डिजिट का भी कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का पासवर्ड जो है यहाँ पर सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ऊपर की साइड में आपको ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर फार्मर टीचर टीचर्स नेम, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गाइज, यहाँ पर आपसे टीचर्स नेम पूछा जा रहा है, जो ये ऊपर की साइड में बोल रहे हैं ना आपको 20 करेक्टर्स का, तो आपको 20 करेक्टर्स का यहाँ पर कोई नाम बना लेना है। कोई भी आप बना सकते हैं, अपना नाम लगा सकते हैं उसके सामने, आप कुछ भी लगा लीजिएगा, बस 20 करेक्टर्स का होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखनी है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ फटाफट से, उसके बाद मिलता हूँ। गाइज इसको बनाने का रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिखाओ गाइज, यहाँ पर आपसे क्यों बनवाया जाता है, यहाँ पर ये सिक्योरिटी की वजह से होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है ये आपसे। अगर मान के चलो आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हो तो तब आप इसको वहाँ पर भर करके उस पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है 20 करेक्टर्स का। तो अब आपको ऊपर की साइड से यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको राइट मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करो, फिर आपको यहाँ पर सेट सक्सेस कोड, यानी कि आपको अब यहाँ पर कोड बनाना है। कोड देखो कैसे बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे सामने यहाँ पर देखो पूरा का पूरा एकदम डायलर आ चुका है, अरे फोक गाइज, यहाँ पर पूरा का पूरा डायलर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से बनाना है, देखो ये हमने लगाया यहाँ पर 2580, लेकिन गाइज आपको इस तरीके से नहीं बनाना, आपको इसको डिलीट कर देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको जो हैश दिख रहा है ना, आपको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। इसका प्रयोग जब आप करोगे, सबसे पहले आपको हैश का प्रयोग करना, उसके बाद आपको यहाँ पर 4 करेक्टर्स का नंबर लगाना है, आप जो भी यहाँ पर लगाना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मैंने ये लगाया। उसके बाद फिर आपको हैश लगा देना इस तरीके से भाई, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको बनाना। उसके बाद आपको ऊपर की साइड से यहाँ पर राइट कर देना, राइट करने के बाद अब आपको यहाँ से डन कर देना। डन आप जैसे ही कर दोगे तो बस आपका काम हो गया है। अब आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाके देखना, और यहाँ पर आपको सेम कोड डायल करना है जो आपने वहाँ पर किया था, हैश 2580 हैश। देखो हमारा ऐप यहाँ पर हाइड किया था ना, जो हमने अमेजोन, वो हमारा ऐप यहाँ पर आ चुका है हाइड होके, ठीक है। और यहाँ पर और भी फीचर्स इसके अंदर हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है प्राइवेट सेव, यहाँ पर प्राइवेट सेव का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट हम लगा लेते हैं, यहाँ पर इस पे के ऊपर क्लिक करते हैं,
और यहाँ पर ये जो फीचर होता है ना भाई रियलमी के फ़ोन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ओप्पो वीवो के अंदर भी ये फीचर मिल जाता है लेकिन रियलमी के अंदर खासकर मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये इमेज का जो दिख रहा है, आप यहाँ से ना इमेज वगैरह हाइड कर सकते हो अपनी। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको नीचे की साइड में, इसके ऊपर क्लिक करो, आपकी इमेज यहाँ पर हाइड हो चुकी है। ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है, इसी के अंदर मिलता है भाई। यहाँ पर जो आपका हाइड का हाइड वाला फीचर है ना, एप्लीकेशन हाइड वाला, वही फीचर आपको यहाँ पर गाइज ये जो हिडन एप्स का फीचर है इसी के बराबर में आपको यहाँ पर मिलता है। प्राइवेट से आप इसके अंदर वीडियोस डाल सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट डाल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर यहाँ पर डाल सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप एप्लीकेशन हाइड करना सीख गए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से लिख देना। और गाइस अगर आपको ओप्पो वीवो का फ़ोन अगर आपके पास है और आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया ओप्पो के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर वीवो के ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइज मैं 100% वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके अंदर ओप्पो वीवो के फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को कैसे हाइड करना होता है। तो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।